फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अपनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। जैसा कि आरआरबी क्लर्क का जो है रिज़ल्ट पब्लिश किया जा चुका है और बहुत से कैंडिडेट को वेट है कि आरआरबी पीओ का जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, उसकी रिज़ल्ट डेट जो है क्या रहेगी और कट ऑफ जो है हाई जाएगी या लो जाएगी, और आपके आरआरबी क्लर्क के मेंस एडमिट कार्ड आपके कब तक पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि आप पहले हम सबसे पहले हम बात करेंगे क्लर्क मेंस एडमिट कार्ड की। तो कुछ ही दिनों में यानी कि नेक्स्ट वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो एक दो दिन के बाद आपको क्लर्क मेंस के एडमिट कार्ड आप देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं IBPS RRB PO के रिज़ल्ट की, तो जैसे ही RRB क्लर्क मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे या तो उसी दिन या फिर एक दिन बाद आपका PO का जो रिज़ल्ट है प्री का वो डाउन अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ के लिए रिगार्डिंग लो रहेगी या हाई रहेगी, तो वो सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करता है वैकेंसी का। अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होती हैं तो कट ऑफ जाहिर सी बात है लो जाएगी, अगर आपकी वैकेंसी कम ही रहेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा हाई जाएगी। तो इसलिए जो PO की वैकेंसी हैं या फिर क्लर्क में भी सेम सिचुएशन थी, अभी तक वैकेंसी का कोई भी नोटिस नहीं है कि इंक्रीज़ हुई है नहीं हुई है। हाँ, बाद तक जैसे जैसे मेंस के एडमिट कार्ड या मेंस का रिजल्ट आएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा कि आपके जो वैकेंसी हैं वो इंक्रीज हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो आप मानकर चलिए एवरेज कट ऑफ ही इस बार PO में जाने वाली है। PO के लिए क्या कट ऑफ जाने वाली है उसकी पर मैंने एक वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।